हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट पर एरर आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस पर बनी हुई वेबसाइट है। तो इसमें जो पहला रीजन है जिसकी वजह से ये एरर आता है वो है आपका सर्वर। आप जो भी होस्टिंग यूज कर रहे हैं उस पर आपको अगर कम जो है पावर मिली हुई है, PHP मेमोरी कम है, तो अक्सर उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कैपेबिलिटी की वजह से फर्स्ट रीजन है कैपेबिलिटी। सेकेंड जो रीजन है इसका, सेकेंड रीजन ये होता है कि आपने लास्ट टाइम जो भी एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल किया था अपनी वेबसाइट में, उसकी वजह से एरर आ सकता है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि पुराना मॉड्यूल भी आफ्टर अपडेट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, थर्ड रीजन इसका ये होता है कि आपकी कोई जो आपका पैनल है वर्डप्रेस का, जो मेन एडमिन पैनल है, उससे रिलेटेड कोई फाइल जो है वो करप्ट हो गई है। ठीक है, तीसरा रीजन ये है। चौथा रीजन दोस्तों इसमें ये रहता है कि जो आपकी HTAccess की फाइल है अगर वो करप्ट हो जाती है, उसमें कोई कोड गलत ऐड हो जाता है या फाइल ही करप्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये एरर आता है। ठीक है, चार रीजन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो ये मेन चार रीजन है बेसिक जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस वेबसाइट को सही करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है उस पर हम जाएंगे, जो है इसकी कैपेबिलिटी। ठीक है, कैपेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम आ जाते हैं सीधे अपने सी पैनल के अंदर और हम जाएंगे सीधे PHP के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहां पर है PHP एडिटर, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहां पर चूज कर लेंगे, ये हमने डोमेन चूज कर लिया। तो आप यहां पर देख सकते हैं मेमोरी लिमिट जो है वो 256 है। वैसे 256 जो है वो बहुत होती है। ठीक है, 256 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, वेबसाइट बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन हम फिर भी मान के चलते हैं कि 256 जो है वो कम है। तो मैं इसको कर देता हूं 512 कर देता हूं। ठीक है, और मैंने इसको अप्लाई कर दिया ये। ठीक है दोस्तों, 512 कर दिया। अभी वापस चलते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, देखते हैं वेबसाइट सही हुई नहीं। नहीं हुई, 500 एरर आ रहा। तो मतलब ये मेमोरी की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जाएंगे, सीधे जाएंगे फाइल मैनेजर में। तो वापस चलते हैं मेन सी पैनल में और यहां आ गए हम फाइल मैनेजर के अंदर। यहां जाएंगे सीधे पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर और यहां पर जाएंगे WP कंटेंट के अंदर। यहां पर है प्लगइन्स। ठीक है, इसको रीनेम करेंगे, जो हम हमारी जितनी भी प्लगइन्स हैं उनको हम स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे। तो हमने यहां पर ये, आप इसको रीनेम कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये बंद हो जाएगी प्लगइन्स, अगर आप इस फोल्डर को रीनेम कर देंगे तो। ठीक है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप देखेंगे अभी भी एरर जो है वो नहीं गया। तो मतलब ये दो रीजन की वजह से एरर नहीं आ रहा है, इसकी प्लगइन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई कैपेबिलिटी का इशू है, इसके अंदर अनदर कोई और इशू है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे। मैंने अभी प्लगइन्स को स्टॉप ही रहने दिया है। ठीक है, और यहां देखते हैं, यहां क्लिक करेंगे सेटिंग्स के ऊपर और यहां पर हम चूज करेंगे शो हिडन फाइल्स के ऊपर। ठीक है, इसको चूज करेंगे, इसको टिक करेंगे शो हिडन फाइल्स और इसको हम सेव कर देंगे। तो जितनी भी इसके अंदर हिडन फाइल्स होंगी वो भी आपको शो होने लगेंगी अब। तो यहाँ पर है HTAccess फाइल, कुछ भी डिलीट करने से पहले आप फाइल को डाउनलोड कर लें जरूर। ठीक है, इसको मैं अभी डिलीट कर दूंगा सीधे, ये मैंने डिलीट किया और मैं इसको परमानेंट डिलीट नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं इसको रिस्टोर कर सकूँ। ठीक है, ये मैंने HTAccess की फाइल जो है वो डिलीट कर दी। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देखेंगे जो वेबसाइट है दोस्तों वो सही हो गई है, 500 इंटरनल एरर जा चुका है। और आप इसके अंदर देख सकते हैं बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, वो इसलिए ये वेबसाइट आपको इसलिए इस तरीके की शो हो रही है क्योंकि हमने जो उसके मॉड्यूल्स हैं वो बंद कर दिए हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट जो है वो किसकी वजह से प्रॉब्लम थी, यहाँ पर HTAccess फाइल की वजह से ये 500 इंटरनल एरर आया था। ठीक है, तो ये बेसिक से चार रीजन है जिनकी वजह से मैंने बताया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा और WP कंटेंट के अंदर जाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया था, प्लगइन्स का जो फोल्डर है उसको रीनेम किया था, आपको याद होगा, इसको मैं सही कर दूंगा। तो इसको मैं यहाँ से सही कर दूंगा, ये मैंने इसको सही कर दिया रीनेम। ठीक है, वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं वापस, मैं कैशे क्लीन कर लेता हूँ और रिफ्रेश करके देखते हैं।
वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर दोस्तों इस तरीके की प्रॉब्लम होती ही है, मैंने ये देखा है एज पर माई एक्सपीरियंस। वेबसाइट स्लो होगी या उसके अंदर कोई ना कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आती जरूर है। अभी आप देख सकते हैं वेबसाइट पूरे तरीके से सही हो चुकी है, अभी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है। तो दोस्तों आप इस तरीके से 500 इंटरनल सर्वर एरर को जो है वो सही कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, जो htaccess फाइल है वो मैंडेटरी होती है वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो उसको आप कैसे रीजनरेट करेंगे, अभी मेरे पास इस स्टोर का जो है वो लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है क्योंकि क्लाइंट का है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको वापस जाना है परमालिंक्स के अंदर जाना है और वापस से जो परमालिंक्स है उनको जनरेट कर देना है, दोबारा से कुछ नहीं करना, उसको सेव कर देना है, बस सेटिंग्स में जाना है, परमालिंक्स में जाना है और उसको सेव कर देना है। तो जो आपकी htaccess फाइल है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके सी पैनल में आ जाएगी और आपकी वेबसाइट पर कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।